नवरात्र के अवसर पर दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में नृत्य विभाग द्वारा देशी डे के बैनर तले महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नृत्य व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज की 38 छात्रा समूहों ने गरबा नृत्य में अपनी छटा बिखेरी। वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग में नृत्य विभाग द्वारा देशी डे का एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में 38 समूहों द्वारा नवरात्र के पावन अवसर पर गरबा, शक्ति, अप्सरा, रास, लास्य, कुष्मांडा आदि नामों से कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। साथ ही इस अवसर पर भारतीय परिधान को महत्व देते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते इस आयोजन को किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देसी डे के बैनर तले हुए इस आयोजन का कार्यक्रम 2017 से प्रारंभ हुआ था, वही कोरोना काल के 2 साल बाद किया गया, जिसमें छात्राओं का उत्साह देखते ही बना। वही कार्यक्रम का शुभारंभ नृत्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीचा ठाकुर द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिन छात्राओं ने नृत्य के माध्यम से अपने हुनर को प्रदर्शित किया है, वे सभी हमारे लिए विजयी हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर समूह का नाम हिंदी व देवी के नाम से रखा गया था। साथ ही उस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता में नवदुर्गा स्वरूप पर कला दिखाई। वहीं इतिहास विभाग ने इस अवसर पर भारत शक्ति पीठ पर कोलाम पोस्टर स्पर्धा रखी गई। इस पर बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं और प्रोफेसर शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को कॉलेज के प्राचार्य व कार्यक्रम के प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, नवरात्रि का ऐसा अवसर होता है कि न सिर्फ हमारा कॉलेज बल्कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत या विश्व में जहाँ पे भी भारतीय रहते हैं वो गरबा को पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं और नवरात्रि के अवसर पर उसका गरबा खेलते हैं। तो इस तरह का जो हमने देखा कि छात्राओं में उत्साह है, जो अलग अलग गरबा के जगहों पर जा करके प्रस्तुति देने की कोशिश करती, तो हमने सोचा कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म हम क्यों ना दें। और इस कारण यहाँ पर लगभग 250 से 300 लड़कियाँ 38 ग्रुप बना करके आज परफॉर्मेंस दे रही हैं। और हमने इसमें खासियत ये रखी कि हर जो समूह है उसका नाम भारतीय परंपरा को बताता हुआ हो या माँ देवी के नाम से, जैसे शताक्षी जय माँ अम्बे ग्रुप है, प्रकाश पुंज ग्रुप है, अप्सरा ग्रुप है, इस तरह के नाम वाली लड़कियाँ हैं अपने ग्रुप लेकर आई हैं और तरह तरह की नृत्य प्रस्तुति दे रही हैं। आप देखिए, पूरे महाविद्यालय में हमने एक और लड़कियों के लिए निवेदन किया था कि इस बार सारी लड़कियाँ पाश्चात्य वेशभूषा का त्याग करके इस दिन भारतीय वेशभूषा में आए, चाहे वो साड़ी हो, चाहे घाघरा हो, चाहे वो सलवार कुर्ता हो, और लड़कियों ने उसका मान रखा है। और आज आप भीड़ देख सकते हैं कि हमारी लड़कियों में कितना उत्साह है और हर बार हम इस तरह का आयोजन करते हैं। इस श्रृंखला में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि चित्रकला विभाग ने नव दुर्गा पे चित्रकला प्रतियोगिता रखी, जिसमें 76 लड़कियों ने भाग लिया। इतिहास विभाग ने अखंड पीठ पर एक कोलाज और पोस्टर प्रतियोगिता रखी, उसमें भी बहुत सारी लड़कियों ने भाग लिया, तो उसका आज हम लोगों ने गैलरी के रूप में अनावरण भी किया है। तो इस तरह से हमारी छात्राओं में नवरात्रि को लेकर गजब का उत्साह है। हर प्रति वर्ष नवरात्रि के अवसर पर नृत्य विभाग के द्वारा ये गरबा आयोजित की जाती है और इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं भाग लेती हैं। करीब 35 से लेकर 36 ग्रुप के रूप में भाग लेती हैं और एक अच्छा माहौल रहता है, छात्राओं के रूप में उत्साह रहता है और हमारी जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसको भी जानने का मौका मिलता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।